गुड स्टूडेंट, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.3। जो फर्स्ट फॉलो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, अब हम क्वेश्चन में फ्रैक्शन बताएंगे। अब एक सर्कल है, सर्कल के दो पार्ट्स कर लिए, तो जो दो पार्ट्स टोटल पार्ट्स रहेंगे उनको हम नीचे लिखेंगे, जो शेडेड रीजन रहेगा उसको ऊपर। इसी में ही हमारे पास पार्ट 1, 2, 3, 4 शेडेड रीजन 2 एंड 2। इसमें भी कितने पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पार्ट है शेडेड रीजन आगे 3/6। अब ये जो लास्ट जो बचा ये, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल पार्ट है शेडेड 1, 2, 3, 4। हमने क्या किया, हमने जो सर्कल्स थे उनके शेडेड रीजन देखे। शेडेड रीजन मीन्स कि कितने शेड हो रहे थे, यहाँ 1 शेड हो रहा था 1 लिखा है, यहाँ 2 शेड हो रहा है 2, यहाँ पे 3 हुआ 3, नीचे टोटल। इसी के बाद जैसे जो कटता है उसको काट सकते हैं, जैसे 2 1 2 2 2 1/2, जैसे 3 1 3 3 3 6, तो सॉरी 3 2 6 होता है 2 लिखा, 4 1 4 2 6 दैट इज 1/2। तो हमारे पास जो सारे के सारे आंसर्स रहे वो 1/2 रहे और सारे के सारे इक्वल आ गए। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के जैसा है, हम वो कर रहे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है उसमें दोबारा से एक बॉक्स में लिखा है, तो कितने हैं काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 टोटल 12। तो अब कलर कितने में हुआ, 4। तो हम साथ साथ कट भी करेंगे, 4 का टेबल, 4 1 4 4 3 12 दैट इज 1/3। टोटल आते हैं 3 फर्स्ट लाइन में 6 9 9 9 ऊपर 3, 3 1 3 3 3 9 कट कर रहे हैं हम, 3 1 3 3 3 9। अब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6, 2 2 1 2 2 3 6 तो 1/3 आ गया। वैसे ही अब 3 है तो सिंपल सा दिख रहा है, 1/3 होगा। अब जो इसका रह गया पार्ट वो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 तो टोटल आ गया 15। काउंट ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कलर कितने हुआ, 1 2 3 4 5 and 6। तो 3 का टेबल, 3 2 6 3 5 15 दैट इज 2/5। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें हमारा आंसर आया 1/3 1/3 1/3, लास्ट वाले में 2/3, तो लास्ट वाला हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, बाकी सारे आंसर इक्वल आ रहे हैं। ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट है उनके आंसर बराबर आए, लास्ट वाले का बराबर नहीं आया, तो लास्ट वाला इक्वल नहीं था। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू।